हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ कार्स रेडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जो आप एक गाड़ी देखने वाले हो ये रहेगी आपकी 2021 की मारुति सुजुकी एस्क्रो, जो नेक्सा डीलरशिप पे आपको मिलती है। तो कुछ ऐसी सी गाड़ी है, पहले मैं आपको पूरा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बारे में दिखाना। ये देखिए, साइड से ऐसी सी लुक आती है आपकी, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी लगती है ये नेक्सा की। बैक से आपको ऐसी सी कुछ मिलती है ये, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको जो फ्रंट की ग्रिल मिलती है ना, आपको कुछ ऐसी सी मिलती है, काफ़ी क्रोम आपको देखने में मिलता है इधर साइड में। इधर आपको देख सकते हैं हॉर्न मिल जाता है, इधर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है एक बड़ा सा, एंड इधर एस्क्रो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। एंड ये देख सकते हैं आप लाइट, इसकी लाइट में जो सर गाइस इसको मिलती है आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इधर आपको डे टाइम रनिंग LED लाइट्स मिल जाती है जो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक जाती है। ये आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको हाई बीम एंड लो बीम इसके अंदर ही मिलती है। एंड ये देख सकते हैं आपको नीचे आपको इसमें फॉग लैम्प दिख जाते हैं। ये टॉप मॉडल है गाइस अल्फा ई, तो आप इसमें आप एक क्रोम देख सकते हैं और फ्रंट बम्पर आपको कुछ ऐसा सा मिलता है, देख सकते हैं लुक्स। बोनेट इसका काफ़ी बड़ा है एंड ये देख सकते हैं वाइपर्स यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं लाइट्स का थ्रो आपको ऐसा है, मैं जब आपको बता रहा था ये LED यूनिट है, देख सकते हैं वाइट लाइट है LED। तो ये इंडिकेट डे टाइम रनिंग LED लाइट्स पे आप देख सकते हैं कैसी से आपको लग रही है यहाँ पे जलती हुई, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है जलती हुई आपके यहाँ पे। तो ऐसा सा कुछ है आगे का फ्रंट लुक देख सकते हैं आपको, वहाँ पर दिखाऊँ तो फ्रंट का लुक ऐसा सा कुछ आपको मिलता है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी भी। एंड साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो गाइस साइड से कुछ आपको ऐसा सा लुक इसके अंदर मिलता है। टायर दिखाऊँ तो टायर ऐसा आपको मिलता है इसमें, अलॉय व्हील्स देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड इसकी अगर मैं आपको साइज़ की बात करवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये आपको जो मिलता है 285/60R16, तो ये 16 इंच का अलॉय व्हील्स है एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका अलॉय व्हील्स। और आप ये साइड के डोर हैंडल देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सेंसर मिल जाता है, बॉडी कलर डोर हैंडल है एंड बॉडी कलर ही ORBM है, आपको यहाँ पे क्रोम नहीं मिलता है। साइड में आपको इंडिकेटर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ही मिल जाता है, बाकी ऐसा कुछ मिलता है आपको रूफ लाइन नहीं मिलती ऊपर गाइस। एंड देख सकते हैं ये अलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को तो ये। एंड रियर से देखें तो गाइस रियर से आपको ऐसी सी मिल जाती है कुछ, अगर आप इसकी टेल लैंप देखेंगे तो आपको चलती कुछ ऐसी सी लगेंगी, थोड़ी सी टाइप की आपको ऐसी लग जाती है। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, इधर आपको रिवर्स जब आप गियर लगाते हैं उसकी लाइट मिल जाती है, इधर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाता है, नेक्सा लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाता है आपको, एंड ये डिफोगर मिल जाता है, आपको वाइपर मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ पे एस्क्रोस की बैजिंग मिल जाती है। सेंसर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4 सेंसर आपको मिल जाते हैं। एंड ये सब कुछ आपको रियर बम्पर मिल जाता है पीछे से, और ऊपर देखोगे तो आपको एंटीना ऐसा मिलता है, शार्क का एंटीना इस मॉडल में नहीं आता आपका, तो कुछ ऐसा सा एक्सटीरियर आपको मिलता है। तो आपको जो रियर कैमरा है वो आपको यहाँ पे प्लेस हुआ वो मिलता है गाइस। तो गाइस इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आपको 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल सकती है, तो देख सकते हो काफ़ी सही आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है। तो आपको मैं यहाँ पे गाइस बूट स्पेस दिखा देता हूँ, उसका बूट स्पेस आपको कितना मिलता है, एम्पल ऑफ बूट स्पेस आपको आपको यहाँ पे मिलता है 353 लीटर्स का, आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। अंदर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है। एंड इसके अगर मैं आपको स्पेयर व्हील दिखाऊँ तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाता है। और इसके साइज़ की अगर मैं आपको बात करूँ तो इसके स्पेयर व्हील की बात करूँ तो गाइस देख सकते हो ये भी 16 इंच का ही व्हील है, बट ये अलॉय नहीं है, ये स्टीम व्हील है, तो ऐसा तो कुछ आपको मिलता है स्पेयर व्हील। बूट बंद करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है ग्रैब हैंडल, जिससे आप उसकी मदद से बंद कर सकते हो इसे। तो चलते हैं गाइस, अब इंटीरियर में दिखाते हैं आपको क्या मिलता है आपको इंटीरियर में इसके। ऐसा सब कुछ आपको यहाँ पे इंटीरियर मिलता है, इधर देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्रोम इंटीरियर डोर हैंडल मिल जाता है, इधर आपको 4 पावर विंडोज मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है, इधर से आप अपने ORBM एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसा सब कुछ आपको इंटीरियर मिलता है एस्क्रोस का 2021 की। एंड इधर देख सकते हो आप सीट के एडजस्टेबल मिलते हैं, अपने हिसाब से आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं एस्क्रोस का इंटीरियर, तो आइए फिर। एंड हाँ गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ी सिल्वर की फिनिश मिल जाती है, तो काफ़ी एक अच्छी फील देती है गाड़ी को। तो गाड़ी को बंद कर देते हैं, देख सकते हैं गाइस ऐसे से कुछ आपको यहाँ पे की मिलती है, इधर आप लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर है।
एंड देख सकते हैं ऐसा सूच आपको मिलता है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से आप अपने ओ आर बी एम्स फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो एक बार क्लिक करना है ये अपने आप फोल्ड, यानी वन टाइम क्लिक करोगे अपने आप ओपन हो जाएंगे। एंड यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, ये देख सकते हैं भाई ये कंट्रोल हो रहे हैं, ये अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे से आपको मिलती है एक्सो, उसका इंटीरियर देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको ऐसा से इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर मिल जाता है। इधर आप ये पेट्रोल इंजन है तो आपको यहाँ पे 8 तक की मार्किंग मिल जाती है आरपीएम में। इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको डिजिटल मीटर मिलता है जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हैं आपको यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स दिख जाते हैं, गाड़ी कितनी चल चुकी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिख जाती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिख जाती है, मतलब सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। रेंज मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, टेम्परेचर, एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ, टाइम। इधर आपको फ्यूल का मिल जाता है, इधर आपको टेम्परेचर का मिल जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा आपको स्टेयरिंग दिखता है एस क्रॉस का, जो लेदर ऐप है पूरा, स्टिचिंग देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम लगती है लेदर ऐप की। तो इधर जो आपको कंट्रोल मिलते हैं ये आपके इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। एंड इधर जो आपको कंट्रोल मिलते हैं क्रूज़ कंट्रोल मिलते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो मैं आपको सियाज में बताया था, यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस है इस गाड़ी का कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका कंट्रोल बस आप यहीं से ही कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको मिलता है इस साइड पे, आप यहाँ से कहीं से कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा डाउन साइड है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए था इन्हें। तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, इधर हॉर्न मिल जाता है, एंड इधर आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल मिल जाते हैं, एयरबैग आपको यहाँ मिल जाता है, और एक यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसा सा कुछ इसका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख सकते हैं। इधर आपको जो है आपके वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर भी आप कर सकते हैं इसमें। और इधर जो आपको मिलते हैं ये आपके लाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये देख सकते हैं आप उसमें यहाँ पे ये मिल जाती है स्क्रीन, ऐसी इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन देख सकते हैं आप। ये हर गाड़ी में, मारुति की हर गाड़ी में यही सिस्टम आता है, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं इसमें कुछ अलग है, सब यही आता है। इधर से देख सकते हैं, इधर से अपना चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना हो, मीडिया में FM, AM, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth से कनेक्ट, मतलब सारे फीचर आप कर सकते हैं इसमें। आप मैप वगैरह सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इस ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो अपने आप ही एसी इसका चल जाएगा, तो काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है ये। एंड इधर की साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे एक USB का एक पोर्ट मिल जाएगा जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक का गियर बॉक्स मिल जाएगा, ये आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, मैनुअल लोगे तो आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक आएगा विद रिवर्स गियर। एंड इधर देख सकते हो आपको 2 कप होल्डर्स का स्पेस मिल जाता है, इधर हैंड ब्रेक मिल जाती है आपको, एंड इधर आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये देख सकते हो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है जो काफ़ी डीप है, और इसके अंदर आपको एक आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है 12 वोल्ट्स का। ठीक है, ये आप देख सकते हो सीट के अपहोल्स्ट्री, लेदर सीट्स है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इनकी। और फ्रंट में आपको 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो ऐसे से कुछ आपको मिलती है। बोनट आपको इसमें नज़र आ जाता है, ठीक है, बोनट इसमें क्लियर नज़र आता है आपको, और ये ऑटोमेटिक IRBM आपको यहाँ पर मिल जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पर। इधर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट के साथ, एंड इधर भी आपको मिल जाता है विद लाइट के साथ। एंड इधर देख सकते हो आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, तो जो रात के टाइम में काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। इधर आपको क्या नाम है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और सनरूफ इसके अंदर नहीं आती जो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। जब आप 11-12 लाख रुपए इस गाड़ी पे खर्च कर रहे हो टॉप मॉडल के, टॉप मॉडल में भी ये लोग सनरूफ नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन साइड है। बाकी ये कुछ फीचर आपको मिलते हैं फ्रंट में। बाकी ग्लव बॉक्स दिखाऊँ तो आपको कुछ ग्लव बॉक्स ऐसा मिलता है जो विदाउट लाइट का आते हैं, और ना ही इसके अंदर आपके पास क्या बोलते हैं कूल्ड भी नहीं है ये। ठीक है, ठीक है सर, इधर आप स्पेस देख सकते हो आप, इधर 1 लीटर की बॉटल और थोड़ा स्पेस आपको मिलता है कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, सेम इधर आपको सेम इधर मिलता है आपको। तो रियर में गाइस आपको रियर की सीटिंग आपको अगर दिखाऊँ तो ऐसी आपको लेदर की मिलती है पीछे की सीट्स भी, देख सकते हैं ये वाली सीट्स मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और देख सकते हैं आप इंपल ऑफ लेग रूम आपको मिल जाता है। और हेड रूम की बात करूँ तो भाई का देख सकते हो काफ़ी सही है लेग रूम, तो ऐसा सा कुछ स्पेस मिलता है आपको। पीछे एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको हर गाड़ी पीछे रियर एसी वेंट ऑफर करती है, बट ये पता नहीं क्यों नहीं करती है। आर्मरेस्ट तो देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के लिए। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट में भी और रियर में भी, और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है गाइस ऐसी कुछ, और इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है, आगे भी मिलता है, और इधर भी आपको मिलता है।
और गाइस यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाती है। तो गाइस ये हो गए एक्सटीरियर और इंटीरियर के फीचर। अब मैं आपको थोड़े कुछ सेफ्टी फीचर बताया था उस गाड़ी के, जिसमें आपको ड्यूल एयरबैग मिलते हैं फ्रंट में मिलते हैं आपको, एंड इसके अंदर सीट बेल्ट वार्निंग आपको मिल जाती है, ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट जैसे आपको फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं, विंड होल असिस्ट कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग, स्पीड सेंसरिंग, ऑटो डोर लॉक एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड अगर इसकी हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको पता ही होगा इसके अंदर डीजल इंजन अब डिसकंटिन्यू कर दिया मारुति वालों ने, तो इसके अंदर सिर्फ एक पेट्रोल इंजन आता है जो कि 1.5 लीटर K15D स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 103 BHP पावर एंड 138 NM ऑफ टॉर्क आपको निकालता है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 18.43, एंड अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो कंपनी जो क्लेम करती है थोड़ी कम ही मिलती है, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली तो आपको इसके अंदर माइलेज और अप्रॉक्स 14-15 KMPM मिल जाएगी। और गाइस इसके अंदर ही जैसे आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, अगर आप मैनुअल लोगे तो आप इसके अंदर 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर मिलता है। तो कैसी लगी आपको 2021 के एस्पोर्ट्स कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, एंड ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आपको नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको ईजिली मिलती रहें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।